111 लीटर इसमें देख सकते हैं सबसे ज्यादा वेट है इसमें। हर हर महादेव सभी को, मेरा नाम है अर्जुन और मैं यूपी वाई से संपूर्ण द्वारा साइकिल यात्रा कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अपनी साइकिल है और भैया आ चुके हैं देख सकते हैं, और इधर मामा जी आए हैं। तो अभी हम लोग साइकिल को रेडी करने के लिए लेके जा रहे हैं, क्योंकि मैं साइकिल पे लगभग 71 लीटर जल लेके जाने वाला हूँ, और तो साइकिल को पूरा कवर बना देना है। और मैं खाली पैर अपने घर तक पहुंचूंगा जल लेकर के साइकिल से, और डबरू अपने साथ है देख सकते हैं। तो अभी साइकिल को रेडी करते हैं, आज के व्लॉग में आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो बस एंड तक देखना कैसे कैसे जल लेके जाने वाला हूं, तो वो सब सेटअप करने वाला हूं साइकिल पर, तो आपको सारा कुछ दिखाऊंगा, बस एंड तक देखना बाकी। और करते हैं व्लॉग को स्टार्ट और आपको दिखाते हैं सारा। तो यहाँ पर दो मटके निकाल लिए, तो यहाँ पर बहुत सारे मटके देख सकते हैं, तो दो मटके हमने सेलेक्ट किए वाले, तो ये 10-10 लीटर के दो हैं, और बाकी हमें ऐसी कैन लेनी है 20-20 लीटर की। तो यहाँ पे हमारे जो बेत के डंडे लिए हैं उसमें सुरंग हो रहे हैं देख सकते हैं। तो ये सारा सामान हमने ले लिया और हमने गंगा जी में डुबकी लगाई है। और देखो यहाँ पे दो कलश लिए हैं और दो ये कैन लिए हैं, दो कैन पीछे लगेंगे, दो कलश आगे लगेंगे। बाकी व्लॉग में एंड तक बने रहिए। बाकी यहाँ पे सभी नहा रहे देख सकते हैं गंगा जी में, कोई बाढ़ वाड़ नहीं आई है हरिद्वार में, एकदम मस्त है। तो यहाँ पे साइकिल रेडी हो रही है, भैया और मामा आए थे इसी हेल्प के लिए, तो यहाँ पे रेडी करवा रहे हैं। साइकिल को रेडी करने में थोड़ा समय लगेगा क्योंकि साइकिल में काफी ज्यादा काम होना है। और यहाँ पे देखो ये रखे हैं दो, और बाकी डब्लू वहाँ पे बैठा हुआ है, और यहाँ पे अपनी साइकिल रेडी हो रही है हरिद्वार में। और यहाँ पे हूँ मैं, तो बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, यहाँ पे साइकिल को रेडी कर रहे हैं हम लोग अभी शाम के टाइम, रेडी करते हैं फिर दिखाते हैं आपको कंप्लीट करने के बाद, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। फाइनली साइकिल पूरी रेडी है, अब हम चल रहे हैं हर की पौड़ी पे जा रहे हैं, और कावर रेडी करनी है। देखो कावर लेके जाऊंगा मैं साइकिल से, तो मैं 4-5 दिन रुका इनके साथ, यहाँ पे देख सकते हैं भैया है, तो इनके ये चाय का होटल है यहाँ पे रुका था, और अभी मैं जा रहा हूँ, ये रिंकुटी स्टॉल है, इधर रहा मैं। तो आज से साइकिल यात्रा अपनी स्टार्ट हो रही है, काफी दिन रेस्ट ले लिया, चलते हैं और आपको सारा कुछ दिखाते हैं। तो हर की पौड़ी पे हमारी साइकिल आ चुकी है देख सकते हैं, तो भैया और मैं साइकिल को रेडी करूंगा अभी यहाँ पे, तो इधर सब कुछ सामान है देख सकते हैं, और यहाँ पे रेडी करते हैं, गंगा जी में नहाएंगे, रेडी करेंगे साइकिल। तो यहाँ पे कावर रेडी हो रही है, तो मामा और भैया कावर रेडी करने के लिए आए थे, तो रेडी हो रही देख सकते हैं, तो रेडी करते हैं फिर निकलते हैं। और इधर रहा मैं, तो रेडी हो चुका पूरा, नहा धो के डुबकी लगा के, और जल भी भर लिया मैंने सब सभी में, तो अभी रेडी करते हैं फिर निकलते हैं और आपको दिखाते हैं। और यहाँ का व्यू कुछ इस प्रकार है देख सकते हैं, यहाँ पे कावर तैयार हो रही है, बहुत समय हो गया ऐसे करते करते, अभी तक फिट नहीं हो पाई है, करते हैं और दिखाते हैं आपको सारा कुछ। हर हर महादेव। यहाँ पे जा रहे थे हम लोग, तो एक भाई मिल चुके हैं साइकिल राइडर, कहाँ से भैया आप? मैं गुजरात के दाहोद जिले से हूँ और चार धाम यात्रा कर रहा हूँ साइकिल लेके। तो भैया मिले मेरे को, और अभी मैं अपनी कावर लेके चल रहा हूँ, अब तो मेरे नंदी हो गए रेडी और कावर पूरी रेडी है देख सकते हैं, तो चलते हैं और आपको सारा कुछ दिखाएंगे, बहुत ज्यादा मजा आएगा हरिद्वार में अभी में। तो अभी रेडी करते करते समय हो जा रहा है बहुत ज्यादा, सुबह से रेडी कर रहे हैं और अभी लगभग 12-1 बज चुका है, और अभी चल रहे हैं, दिखाते हैं आपको सारा कुछ, बस एंड तक देखते रहे। बाकी भाई मिले बहुत अच्छा लगा, हर हर महादेव, हर महादेव मिलके बहुत ही अच्छा लगा। तो यहाँ पे डबरू बैठा हुआ देख सकते हैं, तो भोले लोग मिले हैं हमारे गांव के, बहुत अच्छा लगा, हर हर महादेव। तो यहाँ पे मैं अपनी नंदी को रेडी कर रहा था देख सकते हैं भैया लगे हुए, और डबरू अपना बाहर बैठा हुआ है अभी। हर हर महादेव। तो मैंने अपनी यात्रा स्टार्ट कर दी है, तो मैं 4-5 दिन हरिद्वार में था, जिससे कि सावन का इंतजार कर रहा था मैं, तो सावन आने वाले और मैं अपनी नंदी पे जल लेकर के चल पड़ा हूँ खाली पैर, तो यात्रा में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, काफ़ी ज़्यादा वेट है साइकिल पे, लगभग 61 लीटर जल लेकर के मैं जा रहा हूँ अपने गाँव, उसके बाद मैं 12 ज्योतिर्लिंग चार धाम पूरे करूँगा, और साइकिल मैंने बहुत अच्छे से सजाई है, पूरी कोशिश की है सही से सजाने की। तो आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो शेयर जरूर करना, और ऐसा ही प्यार अपना बनाए रखना, और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करना। अभी मैं चिड़ियापुर के जंगल में हूँ और अपनी नंदी पे
61 लीटर जल लेकर के मैं चल रहा हूँ। देखो जल लगा हुआ है, देखो जल पूरा लोड कर रखा है और चल रहे हैं। डबरू आम सामने पैक है और देखो चिड़ियापुर का जंगल है ये। चल रहा हूँ मैं, बहुत ज़्यादा मेहनत हो रही है, बहुत ज़्यादा लोड हो गया है अपनी नंदी, बहुत ज़्यादा हार्ड चल रही है अभी। अभी मैं चल रहा था, बहुत तेज धूप हो रही है और यहाँ पे कुछ भोले मिले हैं जो कि बैठे हुए थे, तो मैं भी यहाँ पे रुका हूँ। डबरू देख सकते हैं बैठा हुआ, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है और साइकिल पे अब बहुत ज़्यादा वजन हो गया है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। बाकी भोले भी बहुत खतरनाक वाली कावर लेके जा रहे, दिखाता हूँ मैं आपको, देख सकते हैं आजकल ये कावर ट्रेंडिंग में चल रही है। बहुत ज़्यादा वजन है और इधर सब ये बोल शंकर भगवान की। ये कितना लीटर है? 31 लीटर इसमें, 51 लीटर इसमें, 111 लीटर इसमें, देख सकते हैं सबसे ज्यादा वेट है इसमें 61 लीटर और इसमें 51 लीटर। तो देख सकते हैं कितना ज्यादा वजन है, मेरा तो वजन कुछ भी नहीं है इनके सामने। बोल शंकर भगवान की जय। तो भैया मिले हैं, भैया अपने आईडी का नाम बता रहे हैं, बताइए भैया। बोले का भगत 150। तो इनको जरूर जाके फॉलो करें इंस्टाग्राम पे जाके। हर हर महादेव। देख सकते हैं कितना ज्यादा वेट है इनपे, देख सकते हैं कावर में, हर हर महादेव। तो यहाँ पे डबरू दाना खा रहा है और वहाँ पे अपनी नंदी खड़ी है, देख सकते हैं। तो थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए रुके हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत हो रही है। तो अभी मैं मोटा महादेव पहुँच गया हूँ और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, तो अभी यहाँ पे स्टे करने वाले हैं आज। और भैया मिले हमें यहाँ पे, देख सकते हैं हर हर महादेव भैया। तो भैया ने साइकिल देख के पहचान लिया, बहुत अच्छा लगा। भैया अभी कहाँ जा रहे हो भैया आप? बद्रीनाथ जा रहे हैं। तो भैया बद्रीनाथ जा रहे और मैं सब चार धाम उत्तराखंड के कंप्लीट करके अभी गंगा जल लेकर के अपने गांव जा रहा हूँ। तो देख सकते हैं साइकिल यहाँ पे आ चुकी है और भैया जी अभी यहाँ तक छोड़ने आए थे, अब यहाँ से भैया जी भी चले जाएंगे आगे। अभी शाम हो चुकी है और मैं नहा के आ चुका हूँ और अभी बत्ती लगाने का टाइम हो गया, तो कांवर की पूजा करनी है, अपनी नंदी की पूजा करनी पड़ेगी। तो पूजा करते हैं, सुबह शाम रोज पूजा करनी है अब से मेरे को, पहले तो मैंने नहीं की थी यात्रा पे जब था, और अभी मैं कांवर लेकर के जा रहा हूँ तो नंदी की पूजा करनी पड़ेगी। तो पूजा करते हैं, शाम हो चुकी है और यहाँ पे अपनी नंदी खड़ी है, देख सकते हैं कितनी मस्त। तो मैंने अपनी नंदी की पूजा कर दी है, देख सकते हैं धूप लगा दी यहाँ पे, और पूजा करके अब आराम करेंगे। तो अपना टेंट लग चुका है, देख सकते हैं, तो और बिजली कनेक्शन भी मिल गया है। तो आज टेंट ऐसे लगाऊंगा क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, हो सकता है बाहर सोना पड़े, ऊपर पंखा चल रहा है। और यहाँ पे टेंट लगा है, आज रात यहीं पे स्टे करने वाले हैं। ब्लॉग पसंद आया तो शेयर करना और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना।